मैं हूँ मनीषा। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुकी है और इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी स्किन को होती है, जैसे कि हमारी स्किन डल हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, स्किन की जो ग्लो होती है वो तो खत्म ही हो जाती है। तो डोंट वेरी, क्योंकि मैं आपके लाइफ में एक ऐसा मैजिकल सा फेस क्रीम जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ आपकी स्किन को बनाएगी यूथ, ग्लो, शाइनिंग और हाइड्रेट। और इसे बनाना भी बेहद ही आसान है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है और लगाना भी कैसे है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल और विटामिन ई की 2 कैप्सूल। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच आलमंड ऑयल ऐड करेंगे और विटामिन ई की 2 कैप्सूल निकाल के हम इसके जेल को इसमें मिक्स करेंगे। इससे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि यह क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाए। अब मैं बताती हूँ कि यह हमारे स्किन में किस तरह वर्क करता है। ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर और हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ विंटर में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जैसे फाइन लाइन और रिंकल होने की प्रॉब्लम हो जाती है, यह इससे भी रिड्यूस करता है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी और ई भी पाए जाते हैं। एलोवेरा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आलमंड हमारे स्किन को नरिशमेंट करता है और विटामिन ई हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, यह फाइन लाइन होने से भी रोकता है। तो देखिए हमारा क्रीम इस तरह व्हाइट फॉर्म में आ गया है। तो हम सबसे पहले एक खाली कंटेनर लेंगे और इसमें हम अपने क्रीम को डाल देंगे। तो हमारा क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो क्रीम का एक छोटा सा अमाउंट लेके हम इसे अपने पूरे फेस पे इस तरह लगाएंगे और धीरे धीरे हम अपने फेस पे लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्की मसाज करेंगे। इसे आप अपने नेक पे, हाथों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा, हाथ की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, यह इससे भी हाइड्रेट करता है। तो आपने देखा कि इस क्रीम को बनाना कितना ही आसान है। इस क्रीम को आप स्नान करने के बाद और रात में सोने से पहले यानी कि फेस वॉश करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे बनाने में मैंने जो भी चीज का यूज किया है ये सारी नेचुरल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। यह ऑल स्किन टाइप्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कैसा भी स्किन हो, ये क्रीम आपके स्किन को हाइड्रेट तो बनाएगी, साथ ही साथ स्किन को ग्लो, शाइनिंग और जो ड्राइनेस हो जाती है वो सारी खत्म हो जाती है। तो देर किस बात की, फटाफट से जाइए इस क्रीम को बनाइए और आपको इसे लगाने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला अपना अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये क्रीम लगाने से तो हमारे स्किन बाहर से हाइड्रेट हो गई है, लेकिन हमें अपने स्किन को अंदर से भी हाइड्रेट करना है। तो इसके लिए आप बहुत सारा पानी पीजिए। मुझे पता है कि ठंड में पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
है, लेकिन स्किन की बात है तो उतना तो हम कर सकते हैं। तो खूब सारा पानी पीजिए, क्रीम को यूज कीजिए और आराम से विंटर सीजन का एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।